आज की रात फिल्म चलने जा रही है जीता हुआ प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। फिल्म की पहली सीन और पहला आइटम देखिए, देखिए कश्मीर के नजदीक यानी इलाहाबाद का थाना लगा होता है, सभी पुलिस कर्मचारी बैठे होते हैं। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। तो तुम यहाँ का कौन हो? आई एम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सुकई पासी, खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। साले फांसी की बात करते हो? यस। तो तुम यहाँ के चौकीदार? हाँ साहब। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी हमारे गांव वालों ने चुरा ले गई। अरे रे, एक चौकीदार होते तुम्हारी लाठी को? हाँ साहब, अभी भी मड़फा होने लगा था, तीन लोग के मैंने तीन लट्ठी कस दिए, लोग लाठी लेकर भाग गए। अब सफा क्या हुआ? गंदा हो गया, बैठक छोड़ दे। हाँ फिर बाबा का गौशाला है, हम सोचे रात दिन यही काम निकाली। ठीक है ठीक है, चौकीदार ऐसा है। स्थानीय का हवलदार कौन है? चुम्मन लाल चतुर्वेदी जी। चुम्मन लाल चतुर्वेदी? यस। अबे उसका तो ट्रांसफर हो गया अबे। हाँ तो वो यहाँ है, जुग्गी लाल हटेला। जुग्गी लाल हटेला? हाँ साहब। वो ड्यूटी कितने समय आता है? सुबह के एक बजे। सुबह के एक बजे? हाँ साहब। या के दोपहर में एक बजे बे? साहब नाक पकड़ो चाहे ना कुना, दिन भरे में कह दे तो एक बजे था। यहाँ की ड्यूटी सुबह 8 बजे की है? हम लोग 8 बजे ही थे। और वो लेट के आवा? लेट में आता की? हाँ साहब लेट के आवा। लेट में आता है? हाँ साहब। उसे आने दो, उस तब मैं खुद बात करता हूँ। आते होंगे। हेलो हेलो, ओ सैया ने हे बुलटवा, धन 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 आवत होई है, सब सवाल लावत होई है। जहाँ आपने भेजा था? हमने कहाँ भेजा था? जहाँ समा रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था? हमने कहाँ भेजा था? जहाँ समा रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था? हमने कहाँ भेजा? जहाँ समा रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था? हमने कहाँ भेजा था? जहाँ समा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? जहाँ आपने भेजा था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय तुम किस हल्का किस थाने से आ रहे हो? हाँ ये दिना पूछो तो बताइए, इस समय हमारे थाना लौड़ाही से। ये कहाँ पड़ता है? ये हैजाबाद के पहले परत। हैजाबाद तो पहले पड़ता थाना लौड़ाही की? हाँ चाहे भुआ के कोनो केस नहीं मिला, फिर पहुंच गए थाना रामनगर। ये कहाँ पड़ता है? दगेसरा पीछे बदोसरा के साइड में थाना रामनगर है की? जी हुआ गए तो पता लाग डाकू इलाका छोड़ के भाग गए, फिर पहुंच गए थाना कन्हैयाबाद। ये डकैत नगर के पहले साले। टिकाई नगर से पहले पड़ता था ना दरियाबाद की? जी हुआ गए कोनो केस नहीं मिला, फिर परेशान हो गए चलत चलत, फिर पहुंच गए हुआ साहेब कहा थाना नूनी कटरा। ये कहा पड़ता है? हैदरगढ़ के पीछे। हैदरगढ़ के उस पार में थाना लोनी कटरा है की? हाँ थाना नोनी कटरा। हाँ तो हुआ पता लग डाकू इलाका छोड़ के भाग के, भी पहुंच गए अपने हल्का की तरफ।
कौन ताल का? वही हल्का नंबर फोर जहाँ रहते साले चोर, इसीलिए तुम खा खा के हो गए हराम खोर। नहीं सीख रहे हैं, हराम खोर ही सीखते हो। नहीं वही वही हल्का पहुंच गए ना अपने गाँव, वही साहब लाने प्रवास साहब। ये कहाँ पड़ता है? गांजरपुर के पास में, गाजीपुर के साइड में पड़ता है गांव पाले का प्रवाह। जी हुआ गए तो देखा 12 बजे दिन में गए सिलेंडर जलाए, 3 जुआरी बैठा ले जुआ ख्याल रहे। हवलदार तू साला खुद बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? काहे साहब, वो जुमारी अंधे थे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था तो दिन के 12 बजे गए सिलेंडर जला के साले जुआ खेलेंगे। हाँ साहब, कोहिरा घन गिरत रहा, लनी घन नहीं, साले का पत्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओ हाँ, तुरंत पहुंचन पूरी पुलिस फोकस लेके, पुलिस फोर्ट की फोकस, तुरंत डबिस मार दिन, दुई भाग के का पकड़ लीन, फिर भीषण लाठी लगाए। बहुत अच्छा किया। हम गए 90 साले तुम दिन में जुआ ख्याल रात माँ चोरी करे था, तुमको नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के लनिक बाहर लान बस साहेब साला। साहब साला, हाँ बगर का लनिक बाहर लान बस साहेब साला। फिर एक बार अरे पूरी बात नहीं सुना यार, बिचम रोक दिए थे। बगर का लनिक बाहर लान बस साहेब साला। अबे बेवकूफ कह के, या तो पहले साहब का नाम ले लो या फिर साले का नाम लो। आपका साहेब बोल रहे हैं, चोर का साला, तो इस तरीके से कहो ना। हाँ बगर का लनिक बाहर, पूरी बात नहीं सुना बिचम रोक दिए थे यार। पकड़ के लनिक बाहेलन बस साहेब साला, हमार गोड़ पकड़ के रोवे लाग, कहीं साहेब हमका छोड़ दियो, बड़ी ठंडी हो जाए घर से कमर ले तो वही। अच्छा? हम कहें साले तुम ऐसे सिर रहे ऊपर से बेकू बना रहे हो, हम कहें तुम ही रुको भाई, हम कमर ले आ रहे हैं। ऊका मुँह रोक दिन उनके घर का के न कमर आने, ऊके मेहरुआ मसाला पीसत रही। हम कहें करे मेहरुआ तोरे मन पकड़ ली कमर दे दे, वो कहीं साहेब अर्गनी टांगा उतार लियो, हम मसाला पीसी थे, जैसे अर्गनी कहती बढ़न बस वो मेहरे पर दौड़ के पीछे पल्ला बंद कर ली। हमका साहेब वही भीतर मार लड़वन और चोर कहां गया? ओ भाग गवा साले, किसी चोर या बदमाश को पकड़ोगे उससे कहोगे तुम मिस्त्री जी के पर ठहरो, हम तुम्हारे घर से कंबल लेकर के आते हैं तो तुम्हें लेकर चलेंगे। वो चोर इतना बेवकूफ नहीं है कि पुलिस का दोबारा आने का इंतजार करेगा कि पुलिस आए हाथों में हथकड़ी लगाए और जेल भेज दे। साला बेवकूफ कहीं का, हम जरूरी काम से आए रहा तो हमका तुरंत पटके लागो। क्या हुआ? हमारे ऊपर मुसीबत आ गए साहब। तो तुम्हें रोता क्यों है? रोई का करी, रोवे वाली बात है साहब, हमका छुट्टी दे दियो साहब। तुम्हें छुट्टी चाहिए? हाँ साहब, एक दुर्घटना होगा। अरे तो दुर्घटना हो गई तो होने दो, पर तू रोता क्यों है? का करी साहब, रोवे वाली बात है साहब, हमका दुर्घटना हो गई, छुट्टी दे दियो। क्या हुआ साहेब? हमारे 21 साली रही साहेब, हुआ लालपुर कर उत्तम बेही रही साहेब, जो चूतरगंज के पास है, सूरतगंज है की? हाँ साहेब, हुए बेही रही के काल है कौन कर रहा साहेब, हुआ काल कर उत्तम मर गए साहेब। तब तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ साहेब, तुम्हारी 21 साली थी जी, कल उसकी शादी होकर के गौना आया था। हाँ साहब, काल है कौन कर रहा है, काल करउत्तम मर गए साहेब, लालपुर के साइड में पड़ता है करउत्ता गांव। हाँ काल करउत्तम मर गए साहेब, जो सूरतगंज के पास में है। हाँ साहब, जो चूतरगंज के पास का है, सूरतगंज की। हाँ साहब, काल करउत्तम मर गए, उस गांव का नाम है शुद्ध लालपुर करउत्ता। हाँ हाँ, करउत्तम मर गए। वहां सोची साहब 2 दिन का छुट्टी दे दियो, मुलाकात करिए, 2 दिन बातें कर ले, नहीं काज नहीं कब मुलाकात हुए। ये बता है? तेरी साली का अंतिम संस्कार हो गया है? हाँ लहास काल है जला दी। अबे साले बेवकूफ कह के, जब उसकी मृत्यु हो गई है उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है, यानी कि लाश जला दी गई है, तो वहां जाकर तो बात किससे करेगा? उसके राख से बात करेगा? अब ना बात हो, अब कैसे बात होगी? रुको फिर, हेलो, हाँ लाड़ू भाई, साढ़ू की? हाँ हमार तुम्हार नातेदारी खत्म, जहाँ साले साली नहीं तहाँ तुम नहीं, आहा यू कुछ बात न हो। हाँ हमारे द्वारे देखा न पड़े ना, निकालब जूता 50 मोजा मारब हम। आहा अब हम ड्यूटी चले जाए, तुम हमारा घर रखी हो सड़वान खत्म। हाँ ठीक रखो फोन। सबसे पहले ये बता, तो साला जब कभी थाने में आता है
तो नाचते गाते हुए क्यों थाने में आता है? ये गाना एक पैकेट में सुने। कैसे कहते कि हाँ जो पेड़ विराट में लागत है टैप रिकॉर्डर उसे कहते हैं। हाँ जो काय लाड़े दुकान में बाजा कर पान की दुकान है कि हाँ गाना सुने गाना अच्छा लगा रियाज बनाऊंगा इधर है। ठीक है ठीक है पर ये तू बता थाने में आने के लिए कोई समय होता है? काहे जाएं थाने में आने के लिए कितने समय टाइम होता है? सुबह के एक बजे जी जाओ। अबे साले दोपहर में एक बजते हैं और थाने में आने के लिए इन सबसे पूछो समय क्या है? सबसे पूछो कि थाने में ड्यूटी पर आने के लिए समय क्या होता है? मुसरा जी तुम कई बजे आओगे? सुबह का 8 बजे। 8 बजे जी सर। चलो घुसो कहाँ? कमरा राणे कपूर। क्या बात सर? तुम कई बजे आओगे? जानते नहीं क्या? हाँ सुबह के 8 बजे। तुम वहाँ 8 बजे आओगे? जी हाँ सर। कुमारी पूनम जी क्या बात सर? तुम कतरी जून आती हो? मैं सुबह के 8 बजे आती हूँ। साहेब ये सब जने हैं लड़बोरे जो ना तड़के दौरे। अरे तू साला कहता मेरे को हो जाए? पहली बात तो साला लेट में आता है और दूसरी बात आता साले गाली बकते हो। इस गुड़े से माना करना छोड़ बड़ा बड़ा ये क्या है? ये कौन से इंग्लिश मद्रासी है क्या है? साले हिंदी ठीक से तो आती नहीं है, उड़िया भाषा में बात करते हो। इंग्लिश के बात ना करो, इंग्लिश में तो उस दिन हम जुतिया आए के नहीं। क्यों बे? कहाँ बताई साहेब हम एक दिन समझ में हमरे आवा के लोग हम पढ़ लिख के थोड़ा नौकरी जा करी कर ले तो एक दिन सदुआ पिसान बांधे कहीं स्कूल पढ़े तो हम मास्टर सब खेत दिन हमका हम कहे ना वैसा करो स्कूल के बाहर पढ़ो। स्कूल के बाहर पढ़ाई करेगा? हाँ हम कहे जब कम से कम स्कूल के बाहर बैठो जैसे पहले बाबा साहब को बाहर बैठा रहे वैसे हम हूँ बाहर बैठी रहा है। वह जैसे गए तो आज नहीं कहूँ काम सवाल मास्टर पूछी एक लड़का से तो वो लड़का बोला खड़ा हुआ कह काज नहीं कहा पूछी तो कही यस गुरु जी ने कहा था तो मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने काम पूरा कर दिया। वो लौंडा कही तुरंत यस जैसे ही यस कही मैं तुरंत पहले अंग्रेजी दौड़ के पकड़ ली। अच्छा पहले अंग्रेजी पकड़ ली और बैठे सोचा के नहीं हाँ याद किन के यस 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 तब तक दूसरा लौंडा खड़ा हुआ उसे कहा जनी गुरु जी का पूछ बैठे तो कही सुनो गुरु जी ने कहा था उस प्यारे बच्चे से कि एक मग पानी लेकर के हमें पीना है पानी लेकर के आए हो तो उस बच्चे ने कहा नो हम कहें अब तू अंग्रेजी तुरंत सीख गए अभी दोनों अंग्रेजी बैठे याद करी यस नो यस नो यस नो तब तक तीसरा लड़का खड़ा हुआ उसे कहा जनी गुरु जी का पूछिन कहें तैसे वो लौंडा बोला कहें गुड वेरी गुड। हम कहें तीन अंग्रेजी सीख गए अब हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोल के हमसे आके कोई न जाए। अच्छा अब हमारे दिमाग में आओ कि अब पढ़ भाई ना बोलो हम चले जाए नौकरी करिए जाए आए न अम्मा से हम कहा जल्दी अम्मा सतुआ पेशाब बांधो अम्मा हमारे सतुआ पेशाब बांध दिन लेकर चल दिन पहुंचे जाए लखनऊ प्लेटफार्म पर साहब वही जगह खड़े हो गए जाए अब साहब भूखाए गए तो कुइयां रही है वो कहा जो उन्होंने जगह बवाली कहा था क्या कहते हैं बवाली बावली कुआं की बवाली बे हाँ वही कहन बैठे जाए आराम से और बैठे रहे वही बगल में देखा तो बम्बा लगा रहा है तो हम कहें ऐसा करो छाही लो बैठ के खा सतुआ सान ले बम बम कहन पानी उठन जाए और बैठ के सतुआ सान खा शुरू कर दी तब तक एक दिन बाबू जिया की छड़ा से बढ़िया जंटर बुआ बन गए वही आए वह घड़ी खोली वही बम्बा धे दिन हाथ गोड़ धोइन और बाद में बाबू जी चले गए घड़ी वही रखी रही गए अब हम सतुआ बैठ खान खाए गए देखे गए तब तक एक छैया लौंडा आवा बस वो घड़ी उठाई और जेब रखी निकल ली बाबू जी कहा जानी घर तक पहुंचे कि रस्तर लौट आए वो आए तो हमका सतुआ खाते हम मिल गए वही जगह बाबू जी तुरंत कहे ने तूने मेरी घड़ी पाया तो हम कहे नहीं अंग्रेजी में बात करे तुमसे अंग्रेजी ठोंको हम कहे यस तुरंत देखकर पहली अंग्रेजी देख के ठोंक दी। अच्छा हम कहें यस तो ऐसे बाबू जी ने कहा ला मेरी घड़ी दे हम कहें नो हम कहें इनसे इंग्लिश में बात करो तुरंत हम तुरंत दूसर की अंग्रेजी देख के ठोंक दी हम कहा नो
जैसे नो कहन पर निकालिन जूता छफा जूता मारिन, हम तुरंत गुस्सा आएगा हमारे आगे, हम कहना भाई इनका अंग्रेजी में हम गरिया दें, हम कहन गुड वेरी गुड। अबे साले बेकूफ कही के, जब तुझे अंग्रेजी के बारे में मालूम नहीं था तो ये तीनों शब्दों का तुमने क्यों प्रयोग किया? काहे जाए? इसका जब तुझे मायने नहीं मालूम था, मैं तुझे समझाऊं। जब उसने कहा था कि तुमने हमारी घड़ी पाई है, तो तुमने क्या कहा था? तुरंत पाई अंग्रेजी देकर ठोंग दी, हमका यस। यस का मतलब होता कि जी हाँ। और जब उसने तुमसे कहा कि लाओ मेरी घड़ी मुझे वापस कर दो, हाँ? तो तुमने कहा नो 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 का मतलब है कि मैं नहीं दूंगा, मतलब पाया हूँ नहीं दूंगा दूंगा। और जब उसने तुम्हें जूतों से मारा था तो तुमने क्या कहा था? हम कहें गुड वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा गुड गुड है। तेरी अंग्रेजी का इसी तैसी ससुरी, इसलिए कहते हैं जूता पहन के तो कहें यस वेरी गुड। इसलिए कहते हैं बिना समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तुम लोग हमारी बात कान खोल के सुन लो, ये फाइल देखते हो ना, डाकू कहर तक की वजह से पूरी की पूरी फाइल भर गई है। यह फाइल है? जी हाँ, यह फाइल है। हाँ फाइल, थाने की एक नंबर की फाइल है। हाँ यह फाइल है। तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि एक नंबर की फाइल है। नंबर हटा दियो, फाइल है। अबे साले बेवकूफ कह के, बात तो एक ही है, थाने की एक नंबर की फाइल है। हाँ फाइल है भाई, वही बात तो हम कहे फाइल है। तो मैं कुछ और कह रहा हूँ क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि थाने की एक नंबर की फाइल है। थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए तो कई लोग आते हैं, पर जिससे कह दो कि डाकू कहर तक के बारे में कोर्ट में गवाही देना है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। झांटू नहर सिंह, मैं डाकू कहरते की बात कर रहा हूँ। डाकू कहरते के सर पे सरकार की ओर से 50,000 का इनाम रखा गया है, और मैं सोच रहा था कि अगर हमारे थाने से कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी उसे पकड़ लेगा, उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा, उसके साथ साथ में उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। अब पोस्ट मास्टर कब हुई? पोस्ट मास्टर? हाँ तुम्हारी दिना कब हुई? वजह से तुम्हारा हाउ जबड़ा है होता कि पोस्ट मास्टर बड़ी जल्दी है। हाँ साहेब, अबे साले बेवकूफ कह के, पोस्ट मास्टर किसी दुर्घटना में मरने के बाद होता है, साला गधा कहीं का समझता तो है नहीं। डाकू करती डाकू कालिया डाकू भैरव सिंह, ऐसे अनेक डाकू हैं जो इस इलाके में साले तहलका मचा रखे हैं। तुम लोग हमारी बात कान खोल कर सुन लो। आर के तिवारी, इस वक्त सारे के सारे सिपाहियों को अपने साथ में ले लो। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, हम इस वक्त चंबल में रेट मारेंगे, समझ गए ना? क्या बात है, तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ भाई, डकुआ ही नहीं देखा कौनी दिल के हैं। अबे साले, तुमने कभी देखा नहीं है? मैं तुम्हें काम बताता हूँ। काम करे वाली मशीन नहीं है, इनके लगे हैं। मैं ड्यूटी की बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसी वक्त तुम चंबल जाओ और पता करो डाकू कहरते उसका साथी कौन सी काली पहाड़ी पर है। अरे तिवारी को साथ में ले जाओ, उनका आदत नहीं ठीक है। तो मिश्रा जी को साथ में ले लो, इनके साथ है ना जाओ। तो बाकी सिपाही सब गश्त पर है, मैं तुम्हारे साथ किसे भेज दूं? ओ माय गॉड, पूनम के साथ में जाओगे? अबे इसकी बहुत जल्द पोस्टिंग होकर के आई है, इससे तो हल्के के बारे में मालूम भी नहीं है। इनका हल्के के बारे में मालूम न हो जब तक कोई साथ है कहूँ पहले ही है ना, पता न लगे है कि कहाँ से कहाँ तक का इनके हलकत है। हलका की रेंज होती की? हाँ, इनका हमारे साथ है, बैठा दियो 5 मिनट में पता लगा बता दे पता नहीं रेंज है। ठीक है ठीक है। मिस पान जी, तुम हटेला के साथ में जाओ और शाम होने से पहले तुम दोनों वापस आ जाना, समझ गए ना? आर के तिवारी, मिश्रा जी, तुम लोग मेरे साथ में आओ। क्या हो गया कुमारी पूनम जी? जी सर,
अब हिया सरवर न कहो देखो भाई बात यहाँ की हमार तुम्हारे साहेब बताइंदा डकुआन का पता लगा लो। हाँ चलो पता लगा ले अब का बताए दोनों जने कैसा मौका बने मौसम अच्छा है मौका बढ़िया है मौका कुछ फायदा उठा लीजिए। क्या फायदा का देखो रिश्तम तुम हमारे सालिया हम तुम्हारे जीजान क्यों नहीं। और दूसरी बात यहाँ कि पहले पुरानिया लोग कहावत में कहा रहे क्या? कि चाय पियो कप में पियाली में क्या रखा है। हाँ। और प्यार करो साली से घरवाली में क्या रखा है। अच्छा तो सोच रहा प्यार मोहब्बत की कुछ बातें हो जाए रास्ता कट जाए। मैं प्यार नहीं करूंगी। न करियो नहीं सही बात न करी मैं नहीं करूंगी। देखो करो देखो वाह हमार तुम्हार रास बहुत बढ़िया मिलत है। क्या जैसे जैसे कि तुम गोड़िया हूँ बेड़िया रास बहुत बढ़िया है तो कुछ मौके फायदा उठा लीजिए। मैं प्यार नहीं करूंगी। तुमको कहा तुम्हारी अम्मा करी है देखा तो खाया बंदूक है बंदूक है जी एक नाल कहाँ है पेट पे हमारे गोड़ कहाँ है खटका पे खटका दाबम गोली निकली शट से पेट में घुसरी भाग कर से हमारा फट से अब जैसे मरम तैसे आई पुलिस तुम्हारे लागी हाथ करी तुम जई हो जेल और हुआ जई हो जेल का जने कत्ते साहेब हम चले जाए जमानत न हो 302 के केस में जई हो या तो प्यार कर लियो दोनों जने बच जई। मैं प्यार नहीं करूंगी। न करियो नहीं करूंगी तो फिर मरे धरे है ना मरो मर जी सही बात तो फिर मरे जा रहे हैं मरिए तीन तक का गिनती गिना बाबा तीन में मरे धरे हैं गिनो गिनती गिने वाले है ये हम मरे जाए थे मरो हंसत का है हंस गई तो फंस गई मरो क्या हो गया क्या गिनती भुला गया फिर से गिनो हाँ गिनती गिनबे कराओ प्यार न करी हो मैं नहीं करूंगी मरे जाई थे मरिए एक दो समादुई ढाई मैं प्यार करूंगी क्या कर रहे हो वर्जिश कर रहे थे चर्बी ढिलाए जाए जी जीजा जी हाँ साली आपसे कुछ कहना है क्या कहना है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना तूने नहीं जाना
ये कौन ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग का तुम बता दो कि जा डकुआन के पता लगावे। हम कहा भाई नई नई भर्ती हो के आई है, हमें कहूँ डकुआन का पता लगावे गए तो हारी डाकू मिलेगी और कहूँ गोली मारी दोनों जने खड़बड़ा खाले हो जाओ तो हम कहें जैसे डाकू मिली है गोली मारी है जमीन पर लेट जाए गोली बगले चली जाये बखड़ी हो मारो डाकू सार गिर पर ही खड़बड़ाए पांच मिनट में नहीं तो वह पक्की कही दे। तुम ताले हमें बेवकूफ तो बज रहे हो। पूनम कुमार को जमीन पे लिटा के नेकर खोल के ये भी कोई ट्रेनिंग होती है? नेकर तो इनमें हो गए नहीं तो कहाँ बंद करी। सारी की सारी तुम्हारी गलती है। हमारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। पूनम इधर आओ। क्या सर ये सब क्या हो रहा था? सर ये सब हवादार की गलती इसमें है। तू इधर आ तुम्हारे मुख में तले डंडा चला दूंगा। वो बता रही सारी गलती तुम्हारी है। हमारी गलती कौन? तुम्हारी गलती है ना। तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। सही है साहब ना इनके गलती ना हमारी गलती समुन्नी गलती इनके है। लगे आखिन आखिन के तुम्हारी दोनों आंखें तले फड़वा दूंगा। तुम्हारी वजह से थाने में लेडी सिपाही महीने दो महीने ज्यादा यहाँ टिकती नहीं है। वो खुद अपना ट्रांसफर करके यहाँ चली जाती है महीने छह महीने ज्यादा। लगे मच्छर आ काटते इसे देखते हो सारे के सारे मच्छर भगा दूंगा साला बेवकूफ कहीं का। तुम सोच रहे हो हमें तुम मालूम नहीं है गश्त से ताले वापस आते इसके लिए कहीं गर्मा गर्म समोसा है कहीं दूध जलेबी है कहीं दूधिया बर्फी है लेकर के आते हो इसे छुप छुप छुपा कर खिलाते हो सारे स्टाफ को मुझे सब मालूम है। तो मालूम है तो तुम क्या करियो यार खवाई थे हम अपनी तनख्वाह खवाई तुम्हारे कान का है पाटा था। तुम लोग इस वक्त बरसात में चलो हम चप्पल में रेट मारते हाँ। दोस्तों फिल्म के अगली सीन और अगला आइटम देखिए ये चप्पल ही चप्पल के खोखार डाकू कहर सिंह एंड उनके साथी आपने काली पहाड़ी प्रभु होते हैं फिर आगे देखो पहाड़ी में क्या होता है डाकू कहर सिंह एंड उनके सुप्रीम टेंडर से मैं कह दुनिया से नामो निशान बता दूंगा दुनिया से नामो निशान बता दूंगा नाम हजारों फिल्म में कोहराम मचा दूंगा पत्थर पिठोकर मारूं तो पानी उछाल दूं पत्थर पिठोकर मारूं तो पानी उछाल दूं गुरुवार तो शेर की आंखें आज मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहे जाते सदा जी, अचानक चंबल के बिहड़ों में आने का कारण कहर सिंह
देखो जब किसी की किसी से जरूरत पड़ती है ना तो खुद ब खुद जा करके वो मुलाकात करता है। मतलब सबसे पहले मेरी बात सुनो कैसी Oh my God!